राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में प्रतिभाग कर रहे और उपस्थित सर्वप्रथम डॉक्टर प्रतिमा यादव जी डायरेक्टर इस संस्थान के, हमारे मित्र सहयोगी और यशस्वी कुलपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी प्रोफेसर संजीव शर्मा जी एवं अन्य सभी महानुभाव देवियों और सज्जनों, और वे सभी जो किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। व्याख्यान माला का आज का विषय है लोकतंत्र और आत्मनिर्भर भारत। जब भी लोकतंत्र शब्द हम सुनते हैं तो हमें अपनी शासन प्रणाली के साथ ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के ऊपर अवलंबित जीवन शैली का बोध होने लगता है। वस्तुतः 21वीं शताब्दी की सबसे प्रमुख समादृत स्वीकार्य और समावेशी शासन प्रणाली लोकतंत्र ही है, इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता निरंतर बढ़ती रही है और आगे यह क्रम चलता रहेगा, कारण कि यह केवल शासन प्रणाली नहीं है, एक जीवन शैली है जिसमें नैतिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, भौतिकता भी है और सर्वोपरि सामयिकता भी है। इसीलिए इसे कहा जाता है यह एक नैतिक और सामाजिक दर्शन है जिसमें राज्य और समाज का स्वरूप समाहित है। हम जहां राज्य और समाज को एक बृहत्तर निकाय के रूप में देखते हैं और यह सब कुछ संचालित होता है राजनीति के माध्यम से। कहा जाता है राजनीति व्यक्ति, समाज, राज्य और व्यवस्था के पारस्परिक संबंधों का निरूपण है और यह जन्मना मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, इसलिए उसकी इस गतिविधियों का संचालन शासन व्यवस्था की बेहतरी के लिए निरंतर होता है। और जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है शासन संचालन की, उसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते और मानते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को अंगीकृत करने वाली यह प्रणाली वास्तव में जीवन शैली है जो निरंतर मनुष्यों के कल्याण के प्रति समर्पित है। यह भाव इसका शाश्वत भाव है। और जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम सामयिक संदर्भों के साथ ही साथ भारत की परंपरा का भी ध्यान करते हैं। हमारे पास जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसका मूल हमारी परंपरा में निहित है, हमारी वैदिक व्यवस्था में। हमारी आवाज वहां जा रही है। हमारी वैदिक व्यवस्था में गण शब्द का उल्लेख हुआ है और उस समय की यह प्रणाली थी। इसका संचालन सभा, समिति और विदथ नामक संस्थाओं से होता था। प्राचीन भारत के बहुत सारे गणराज्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कच्छ, सिवी, मालव, क्षुद्रक, काक, संकानी, प्रार्जुन, आर्जुनायन, बहुत सारे गणतंत्र हैं। ये सारे सफलता के मानक हुआ करते थे, कारण कि इसमें जन सहभागिता बहुत अधिक थी। लोकतंत्र इसीलिए समादृत है कि इसमें जन सहभागिता का भाव है। ये केवल इतना ही नहीं है, सब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, अपितु यह सहभागी व्यवस्था है, समावेशी व्यवस्था है और निरंतर संचरित व्यवस्था है, अर्थात इसमें संचरण होता रहता है। तो हमारी परंपरा रही है गणतंत्र की, अर्थात सत्ता के कार्यों में जनता के भागीदारी की, और यही परंपरा आज के लोकतंत्र को पुष्ट करने वाली व्यवस्था है। इसीलिए हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र है, कारण कि यहां सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा अधिकतम स्वतंत्रता और समानता की व्यवस्था जन सामान्य के लिए की गई है। इसके बहुत सारे अवयव हैं। भारत का लोकतंत्र संचालित होता है चार स्तंभों से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। इसमें जो पहला अवलंब है, उपागम है, माध्यम है या निकाय है, वह है हमारी विधायिका।
लोकतंत्र को संचालित करने और इसे क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने का दायित्व विधायिका के ऊपर होता है। हमारे यहाँ विधायिका जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसके दो अंग हैं, लोकसभा को कहा जाता है नेशन इन मिनिएचर, लघु राष्ट्र। हम वहाँ अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। यह विधायिका विधान बनाने का काम करती है। हमारी परंपरा में ही निहित है कि ऐसे विधान बने जो लोक हित के लिए हों, लोकप्रिय हों और लोक स्वीकृत हों, और इन विधानों का पालन करना सबके लिए आवश्यक है। प्राचीन गणतंत्रों की सफलता का सूत्र ही यही था कि जो भी कानून बनते थे, विधान बनते थे, उसका सभी सहज पालन करते थे। विधान का पालन करना केवल सत्ता संस्थान में बैठे हुए व्यक्तियों का दायित्व नहीं है, अधिकारियों कर्मचारियों का ही दायित्व नहीं है, अपितु यह संपूर्ण जनता का दायित्व है कि विधियों का पालन करें। विधियों के पालन करने में ही सुरक्षा निहित होती है। संस्कृत का एक वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसी तरह जो विधियों का पालन करता है विधियां उसकी सुरक्षा करती है। तो विधायिका जनाकांक्षा की पूर्ति करती है और उस पूर्ति के क्रम में विधान बनाने का काम करती है और क्रमशः विधान को समयानुकूल बनाती है, सामयिक अपेक्षा के अनुकूल व्यवस्था देती है। यह सब कुछ हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित है। विधायिका के दायित्व क्या होंगे, कार्यपालिका के दायित्व क्या होंगे और न्यायपालिका के दायित्व क्या होंगे, हमें हमारा अधिकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था से ही मिलता है। बहुत सारी बातें उसमें हैं, हमारे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सब कुछ, केंद्र राज्य संबंध, सबका विधान हमारी संवैधानिक व्यवस्था में है। इसलिए सब शक्तियाँ जो कार्यकारी निकायों को मिलती हैं, विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका, सब संविधान से ही मिलती हैं। इसलिए संविधान को कहा जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यह संविधान हमारा सर्वोच्च कानून है। माननीय मोदी जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस समय वैश्विक फलक पर महानायक के रूप में समादृत हैं, कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान है, हमें उसका सम्मान करना है और उससे जो प्राप्त अधिकार हैं उसका अपने संदर्भों में इस तरह प्रयोग करना है कि विधियां उसको ध्यान में रखें और किसी व्यक्ति के अधिकार का और उसकी स्वतंत्रता का हनन न हो। यह हमारी व्यवस्था है, अर्थात विधायिका इस लोकतंत्र के संचालन का एक प्रमुख आधार है। इसके द्वारा जो विधियां बनती हैं, इसका क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा, कार्यपालिका के भी विशद अधिकार हैं, संगठनात्मक स्वरूप है और इस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अर्थात माननीय राष्ट्रपति जी, वो कार्यपालिका के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। न्यायिक व्यवस्था में निचली अदालतों से लेकर और सर्वोच्च न्यायालय तक एक क्रम है और सर्वोच्च न्यायालय इस व्यवस्था का शिखर निकाय है, शीर्षस्थ निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है कि उसके द्वारा संविधान का रक्षण होगा। तो इस तरह सभी व्यवस्थाएं हमारी संवैधानिक मान्यताओं, नीतियों, निर्देशों के अनुरूप चलती हैं और इसी में लोकतंत्र की सफलता समाहित होती है। लोकतंत्र दुनिया का सर्वाधिक उत्तम शासन व्यवस्था है, कारण कि इसमें हमारी बहुत अधिक नजदीकी होती है सत्ता के साथ। लोकतंत्र ही वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन होता है। दुनिया में अन्य जो भी शासन प्रणालियां हैं उसमें सत्ता का परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता। इसीलिए इसे महत्व दिया जाता है कि इसमें तंत्र के ऊपर लोक प्रभावी होता है और एक देश की सारी शक्तियां, संविधान सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और शक्तियां अर्थात संप्रभुता जनता में समाहित होती है। इसीलिए जनता इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, आप कह सकते हैं सर्वोच्च शिखर है। इसीलिए लोकतंत्र में लोक की निरंतर महत्ता होती है। व्यक्ति, समाज, राज्य
एवं व्यवस्था के पारस्परिक संबंधों के निरूपण में लोक का निरंतर ध्यान रखा जाता है और यही जनतंत्र की व्यवस्था होती है, विशेषता होती है कि यह स्वयं अपने प्रति भी जवाबदेह होता है। जवाबदेही जिस शासन में होती है वह शासन सबसे अच्छा शासन माना जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। हमारे देश की व्यवस्था में संसदीय लोकतंत्र है, अर्थात संसद की सर्वोच्चता स्थापित है, लेकिन यह सर्वोच्चता जनहित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, इसमें किसी व्यक्ति की निजी इच्छा का महत्व नहीं होता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनहित और जन इच्छा निर्णायक हो, वही आदर्श लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभ, चौथा स्तंभ है मीडिया। शासन को आगाह करना, सचेत करना, शासन की नीतियों को जन सामान्य तक पहुंचाना, यह मीडिया का काम होता है। मीडिया सेतु का कार्य भी करती है और मीडिया संदेश वाहक भी होती है और मीडिया संकेत भी देती है कि आने वाले दिनों में अभिलाषा, अपेक्षा, आकांक्षा क्या होगी, इसके बारे में पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। शासन वह अच्छा होता है जो सामयिक स्थिति को समझे, जो संसाधनों को समझे और जो जनता की मांग के अनुरूप निर्णय लेने में विलंब न करे। कारण कि लोकतंत्र सामाजिक साम्य और सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, इसलिए इसमें सम विकास लक्ष्य होता है। सबका समन्वित विकास, सबका सम विकास होता रहना चाहिए। मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा होती रहती है। हम सार्थक सकारात्मक भूमिका को सोचते हैं और मानकर चलते हैं कि मीडिया हमें सचेत करती है और शासन तक जनता की इच्छा और जनता तक शासन की नीतियों को पहुंचाने का कार्य करती है। यह चारों मिलकर लोकतंत्र के सफल संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लेकिन सर्वोपरि लोकतंत्र संचालन में राजनैतिक दलों की भूमिका होती है। यह राजनीतिक दल ही लोकतंत्र के प्राण कहे जाते हैं और इसीलिए इनके माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया चलती है, संचालित होती है, व्यवहारित होती है और अनुमोदित होती है। राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र के संचालन में है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है निर्वाचन। निर्वाचन के माध्यम से ही राजनैतिक दल सत्ता के सूत्र अपने हाथ में रखने में सफल होते हैं। राजनीतिक दलों की भी कोटियां हैं, प्रांतीय दल, राष्ट्रीय दल, आंचलिक दल, लेकिन राष्ट्र की राजनीति का संचालन आज राष्ट्रीय दलों के माध्यम से, उसमें क्षेत्रीय दल भी भागीदार हैं, सफलता पूर्वक हो रहा है। अभी हमारे लोकतंत्र का जो पिछला महानतम पर्व संपन्न हुआ, आम निर्वाचन 2019 में, उसमें हमारे देश की जनता के सक्रिय, प्रभावी और निर्वाचन के लिए मान्य वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे देश की जनसंख्या आज लगभग 130 करोड़ है, कुछ बढ़ ही रही है, और इसमें 2019 के निर्वाचन में लगभग 91 करोड़ मतदाताओं में से 67% ने भाग लिया था। तो इस तरह हमारे देश में मतदाताओं की आबादी ही लगभग 91 करोड़ से अधिक है, जितनी आबादी तो दुनिया के बहुत सारे देशों की मिलकर होती होगी। इसलिए हमारा लोकतंत्र दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है और निर्वाचन पद्धति के आधार पर यह दुनिया का महानतम लोकतंत्र भी है। कारण कि अब दुनिया में जहां कहीं भी निर्वाचन होता है, हमारे यहाँ के प्रेक्षक जाते हैं देखने के लिए, सुझाव देने के लिए और उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। यह निर्वाचन तंत्र भी, निर्वाचन पर्व भी और निर्वाचन की गतिविधियां भी बहुत मायने रखती हैं। निर्वाचन में नारे बहुत मायने रखते हैं।
अभी हाल में जो नारा सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह लोकतंत्र का निचोड़ है। इसी में सारी बातें निहित हैं। स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता और साथ साथ विकास करने की वृत्ति, प्रवृत्ति और कृत्य, ये सब इसी में निहित है। इसीलिए लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ नारा भी कहा जाता है। कभी चलता था हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यह भी नारे थे। नारे लोकतंत्र के पर्व के जीवंत आयाम कहे जाते हैं। इनसे निर्वाचन कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण और रोचक, आकर्षक बनता रहता है। इस पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक दल हितों का संप्रेषण करते हैं, जनता की मनोवृत्ति का अध्ययन करते हैं और जनता के बीच से ही निकलकर सत्ता के शिखर तक जाते हैं। वह राजनीतिक दल ज्यादा सफल होता है जिसका नेतृत्व सहज और स्वाभाविक होता है। नेतृत्व हमेशा सहज होना चाहिए। नेतृत्व के कुछ खास गुण हैं: जनप्रिय होना, वाणी में माधुर्य, तेज और ओज होना और व्यक्तित्व आकर्षक होना। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर सबको जोड़ने की क्षमता हो, सबको साथ लेकर चलना हो, यह उसका स्वभाव होना चाहिए। हम आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का इस देश की राजनीति में सबसे बड़ा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, उन्होंने स्वातंत्र आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। ठीक उसी तरह से राजनैतिक निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण वह नायक होता है जो लोगों की भावनाओं को समझता है, उसे पूरा करने की आश्वस्ति देता है और अपने में भरोसा उत्पन्न कर लेता है। वही नायक चमत्कारिक नायक कहा जाता है, जैसा आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जिनके ऊपर सबका अटूट विश्वास है, न केवल अपने देश के लोगों का, अपित दुनिया में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक नेतृत्व वर्ग है, लोकतांत्रिक जनमानस है, सबका विश्वास मोदी जी में जागृत हुआ है कि इनके साथ ही शांतिपूर्ण सा अस्तित्व और शांत की स्थिति में समन्वित विकास सुनिश्चित हो सकेगा। यह सारी बातें लोकतंत्र के लिए मायने रखती हैं। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं, इन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि राजनीति जोड़ने के लिए होती है, राजनीति विकास के लिए होती है, राजनीति राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता का ध्यान रखने के लिए होती है, राजनीति सामान्य समय में भी और संकट के समय में भी राष्ट्र की मर्यादा को बढ़ाने वाली होती है। राष्ट्र की मर्यादा, सुरक्षा पर कभी आघात आए उसे राजनीति की प्रवृत्ति या राजनीति की क्रिया नहीं कहते हैं। इसीलिए हमेशा हमें ऐसी राजनीति करनी चाहिए जिसमें राष्ट्रोन्नति का निरंतर भान हो और बोध हो। ऐसी राजनीति करनी चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्गों के उन्नयन का भाव हो। राजनीति वर्ग, वर्ण, धर्म, जाति, क्षेत्र के ऊपर उठकर होती है। यह राजनीति का सांस्कृतिक विधान कहा जाता है जिसमें सबको जोड़ने का भाव होता है। इस समय हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था विधिवत व्यवहारित है। इसके व्यवहार में होने के कारण ही किसी अंचल में स्थित व्यक्ति केंद्र से सीधा संवाद करने की स्थिति में होती है और राज्य की पूरी व्यवस्था लोकतंत्र के निर्वाचन के माध्यम से बदलने में हर व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन करता है मतदाता के रूप में। इसलिए यह लोकतंत्र हिंदुस्तान का दुनिया को दिशा देने वाला लोकतंत्र कहा जाता है और इसमें भूमिका होती है पब्लिक ओपिनियन की, लोकमत की। लोकतंत्र के स्वरूप के निर्धारण में लोकमत का बहुत बड़ा योगदान होता है। वस्तुतः लोकमत ही लोक निर्वाचन को एक परिणाम तक ले जाने में सहायक होता है और इस लोकमत की रचना में जो सहयोगी संस्थान हैं, निकाय हैं या साधन हैं, वह है विद्यालय, औषधालय, देवालय, यात्रालय अर्थात जो यात्रा के साधन हैं,
मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, ये सब निर्धारक हैं लोकतंत्र के। इतना ही नहीं, जो रास्ते में चलते समय छोटे छोटे चौराहे हैं, अर्थात चौराहों पर लगी हुई हाट, बाजार, ये सब भी पब्लिक ओपिनियन बनाने के कारण होते हैं। इसलिए हमेशा इनके बारे में भी ध्यान रखना होता है कि वहाँ कैसी चर्चा चल रही है। हमारे यहाँ राजनीति को शुद्ध माना गया है। तत्व कलानिधि एक संस्कृत का प्रबंध है, उसमें लिखा है, अर्थशास्त्रम भवेद गौरम सारिका वदनम शुभम अक्षसूत्रम फलम बिभ्रद अन्नाहारम कमंडुलम। राजनीति शुभ्र है, अर्थात इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें मधुर बोलने का विधान है। इसके चार हाथ हैं, यह शुभंकर है, एक में अक्षमाला साधना, एक में अन्न पात्र, एक में कमंडल जल पात्र और एक में फल अर्थात प्रतिभा को उचित स्थान और परिश्रम को उचित उपहार, यह देने का विधान राजनीति में होता है। सफल लोकतंत्र वही है जहां हर व्यक्ति के लिए सम्मान का भाव हो, उसके लिए स्थान हो और उसके विकास का अवसर हो। लोकतंत्र का यही ध्येय है जिसे लेकर हम लोग चलते हैं। हिंदुस्तान का लोकतंत्र सार्वभौम वयस्क अधिकार के ऊपर संचालित है। हमारे देश में एकल नागरिकता और सारी बातें, केंद्रीय संबंध है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, सब कुछ है। साथ ही साथ यह व्यवस्था भी है कि लोकतंत्र का सोपान गांव से उठकर और संसद तक पहुंचता है। आधार की पंचायत से लेकर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत तक अर्थात ग्राम सभा से लेकर के और संसद तक इस लोकतंत्र के सूत्र विकसित होते हैं, बढ़ते हैं और जाते हैं। इसी के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण का ध्येय भी पूरा होता है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत की भी बहुत मान्यता रही है। पंचायत में पंच परमेश्वर कहे जाते हैं, अर्थात जो यह पंचायत है हमेशा निर्णय करती है न्याय के ऊपर। न्याय इसका भी ध्येय होता है और न्याय इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का भी ध्येय होता है। न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना, सम विकास की व्यवस्था, यह लोकतंत्र का ध्येय होता है और इसी ध्येय के आधार पर हमारे देश का लोकतंत्र संचालित है। आर्थिक, सामाजिक और सामरिक सभी संदर्भों में इसका सांस्कृतिक संदर्भ भी है। सांस्कृतिक संदर्भ इसलिए कि हमारी संस्कृति विविधतापूर्ण संस्कृति है जिसमें अनेकता में एकता का भाव है और यही हमारे लोकतंत्र में प्रतिफलित होता है, ध्वनित होता है, उच्चरित होता है कि हम दुनिया में जहां कहीं भी हैं भारतवंशी भारत की सोच और संस्कृति अपने साथ लेकर जाते हैं। इस देश में जहां कहीं भी हैं हम भारतीय हैं और हमारी मान्यता एक जैसी है, वह है भारत की मान्यता, भारत की दृष्टि, भारत की संस्कृति। इस व्यवस्था में हम अब उस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं जिसे सुशासन कहते हैं। यह सुशासन लोकतंत्र से ही संभव है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के दमन का भाव नहीं है, शोषण का भाव नहीं है, अतिक्रमण का भाव नहीं है, सभी को दायित्व तो बोध है, ऐसा सुशासन होता है। हमारे यहाँ राम राज्य को सबसे आदर्श सुशासन माना जाता है और आज की तारीख में जहां तकनीकी का दौर है, सुशासन के लिए जरूरी है कि यह सहज हो, सिंपल, इसे स्मार्ट गवर्नेंस भी कहते हैं, सिंपल हो, नैतिक हो, जवाबदेही हो, इसके अंतर्गत रिस्पॉन्सिवनेस हो, कोई घटना हो तत्काल त्वरित हम उसके बारे में सोच सकें, क्रियाशीलता हो, पारदर्शिता हो, यही सुशासन है। साथ ही इफेक्टिवनेस भी हो और एफिशिएंसी भी हो, दक्षता भी हो और प्रभावशीलता भी हो, तब चल करके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने की स्थिति में हम आते हैं। वस्तुतः लोकतंत्र में भी जब मजबूत सरकार होती है, दृढ़ सरकार होती है,
तो त्वरित निर्णय लिए जाते हैं, प्रभावी निर्णय लिए जाते हैं और निर्णायक नीतियां बनती हैं, जैसा आज अपने देश में हो रहा है। हम आप सभी ने अनुभव किया कि कैसे धारा 370 समाप्त हुआ, कई लोकहित के निर्णय लिए गए और उनका क्रियान्वयन भी हुआ, राष्ट्रहित के निर्णय लिए गए उनका क्रियान्वयन भी हुआ, और इसी क्रियान्वयन और क्रियान्विति के कारण आज वैश्विक फलक पर भारत दुनिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्र है, वैश्विक राजनीति में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, और यही भूमिका आज अन्य देशों को भारत की ओर सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए विवश करती है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसे आज हम विकसित राष्ट्र कहें, संपन्न राष्ट्र कहें या समर्थ राष्ट्र कहें, जो भारत का सहयोग नहीं लेना चाहता। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है, कारण कि इसके पीछे 130 करोड़ से अधिक लोगों का संबल है, सहयोग है और सहभागिता है, जहां का जनमानस अत्यंत सक्रिय है और युवाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है। यह युवाओं का भारत है और हमेशा वैश्विक परिवर्तन में युवाओं के देश की ही भूमिका होती है। आज हम कला, साहित्य, विज्ञान, अनुसंधान, कृषि, उद्योग, जो भी क्षेत्र हैं, उसमें हम नेतृत्व करने की स्थिति में हैं, और यही नेतृत्वकर्ता की स्थिति आज भारत की ओर देखने के लिए अन्य राष्ट्रों को प्रेरित करती है। हमारा लोकतंत्र सफल लोकतंत्र, सफलतम लोकतंत्र और दुनिया को सदा सहता सहजता की सीख देने वाला लोकतंत्र है, जिसके आधार सिद्धांत हैं कि हम पेटेंट प्रोडक्शन और प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति इनोवेशन के माध्यम से करें, अर्थात सामयिकता, गतिशीलता और बढ़कर सहयोगशीलता, यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, जिसमें सबके लिए उचित स्थान है, सभी का सम्मान है। हम अब ऐसा नहीं मानते कि विकास की प्रक्रिया में कोई पीछे रहने पाए, हाशिए पर जो लोग थे उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ लैंगिक समानता पर बल दिया जाता है, हमारे यहाँ प्रकृति बंधन पर बल दिया जाता है, अर्थात हम सभी के प्रति समभाव रखते हैं, सहज भाव रखते हैं, सम्मान भाव रखते हैं। यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र की विशेषता है, जिसके आधार पर आज जो भी नूतन प्रवृत्तियां हैं दुनिया की, उसे लेकर चलते हैं। हमारा लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। 5 वर्ष के बाद सत्ता में परिवर्तन के लिए लोकतांत्रिक पर्व संचालित होते हैं, इलेक्शन जिसे कहते हैं, और फिर जनप्रतिनिधियों को अपने द्वारा किए गए कार्यों को जनता के समक्ष रखना होता है, फिर आगे के लिए निर्णय होता है। यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है और विविधता में एकता को लेकर आगे बढ़ने की परंपरा ही हमारे लोकतंत्र की सबसे ज्यादा सम्मानित परंपरा है, मानिंद परंपरा है। ऐसी विशेषता, ऐसी विविधता और ऐसी विलक्षणता दुनिया में अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया, इस पर विशद विचार और विवेचन हो सकता है। आज हमारे देश का जो लक्ष्य है वह है आत्मनिर्भर बनना। दुनिया के प्रगति के जितने नाम हैं, साधन हैं, उन सभी संदर्भों में आत्मनिर्भर होने का विधान आज हमारे देश के सामने है और वही लेकर के हम चल रहे हैं। आरंभ से ही, स्वातंत्र आंदोलन से ही, अभी आरंभ में जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रही थी उन्होंने स्वदेशी और स्वावलंबन की बात की थी, हमारे यहाँ शुरू से ही स्वतंत्र आंदोलन से ही यह बात चलती रही, स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वतंत्रता, इस पर बहुत ज्यादा आग्रह स्वतंत्र आंदोलन में था। आज भी यह है, साथ में स्वभाषा भी, इसलिए नई शिक्षा नीति में इन सब के लिए विशेष विधान किया गया है। हम
तेजी से उस पथ पर बढ़ चले हैं जिसका लक्ष्य है हर दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाना, समर्थ हो जाना। आत्मनिर्भरता का आशय है सृजन, संग्रह, संचय, संयम, समझ, सक्रियता और संतोष, साथ ही आय और आजीविका के पर्याप्त अवसर की सुलभता। इसका आशय है आत्मनिर्भर भारत का रोजगार और विश्वास पैदा करना, साथ ही उत्पादन का वितरण के साथ संतुलन और उचित नियमन, खाद्यान्न, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का निरंतर ध्यान रखना, यह आत्मनिर्भरता का आशय है। आज के दौर में जिसे कोविड-19 का दौर कहते हैं, एक अदृश्य विषाणु का दौर कहते हैं जिसने पूरी मानवता को आक्रांत कर दिया है और हम सभी देश विकसित, विकासशील अथवा विकासोन्मुख सभी एक धरातल पर खड़े हैं। आज की तिथि में जो संपन्न राष्ट्र है उनके वैभव का कोई अर्थ नहीं है, जो बहुत वैभवशाली व्यक्ति है उसके वैभव का कोई अर्थ नहीं है। सभी इस अदृश्य विषाणु से बचने के लिए अपने अपने घरों में निरुद्ध है। कारण कि इस कोविड का चेन तोड़ना है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और संवाद ही इसका आधार होता है जिसे प्रत्यक्ष संवाद कहते हैं। इसलिए इसका चेन तोड़ने के लिए हम लोग अपने अपने निवास स्थान पर हैं। बसने के लिए 2 गज की दूरी जरूरी है, कहीं निकले मास्क लगाकर निकले, साथ में सैनिटाइजर लेकर के निकले, यह स्थिति आ गई है। दुनिया के सभी देश एक समान प्रयास कर रहे हैं कि इस अदृश्य विषाणु से मुक्ति का उपाय निकाला जाए, औषधि निकाला जाए, टीका विकसित किया जाए। कुछ देशों ने इसकी घोषणा भी की है। हमारे भी देश में कम से कम 5 औषधियां पूर्ण रूप से विकसित होकर बाजार में आने की स्थिति में हैं। अर्थात आत्मनिर्भरता के लिए केवल आय और आजीविका के अवसर ही सुलभ होना पर्याप्त नहीं है। हम सुरक्षित रहें, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और कोई भी विषाणु हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित ना कर सके, वह व्यवस्था करना भी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर हम अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता का आशय है गांव का आत्मनिर्भर हो जाना। जितने संस्थान हैं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को संचालित करते हैं या स्वरूप प्रदान करते हैं, उनका भी आत्मनिर्भर हो जाना। आश्रम, देवालय, शिक्षालय, ये सभी मार्ग हैं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और अब इसके लिए निरंतर शासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कुछ वर्षों पूर्व तक गांव तक बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब सब जगह व्यवस्था पहुंच चुकी है। गांव में ऊर्जा की स्थिति बहुत बिकट थी, खाना बनाने के लिए बहुत परेशानी होती थी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गांव गांव गैस की व्यवस्था हो गई है, सब जगह बिजली पहुंचाने का काम हो गया है। आत्मनिर्भर भारत का आशय केवल आय आजीविका प्राप्त करने वाले लोगों से ही नहीं है, इस देश की जो आधी आबादी है उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए माननीय मोदी जी ने पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक उद्घोष ही किया जो बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक नई शिक्षा नीति आई जिसमें आंगनबाड़ी से लेकर और विश्वविद्यालय तक शिक्षित होने का विधान है और सबकी सहभागिता कर दी गई है। यह अद्भुत शिक्षा नीति, चमत्कारी शिक्षा नीति जिसके माध्यम से व्यापक परिवर्तन होने वाला है और हम हर दृष्टियों से समर्थ होने वाले हैं। आत्मनिर्भरता की सीढ़ी 9 मानकों से होकर जाती है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और ला। जमीन किस प्रकार की है, किस भूभाग में किस प्रकार के उद्यम स्थापित हो सकते हैं, यह विचारणीय है।
वहां किस प्रकार का श्रम है, श्रमिक कैसे हैं, कुशल अकुशल, उन्हें किस प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है, यह देखना इसका एक विधान है। तरलता कैसी है, वहां जो उद्योग लगने हैं उसके लिए आर्थिक द्रव्यमान संसाधन किस प्रकार के हैं, इस पर विचार होना है। और फिर ला वहां किस प्रकार का है, अर्थात उद्योग देश की कानून व्यवस्था के अंतर्गत, कानून द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था के अंतर्गत ही संचालित होने चाहिए और इसमें आंचलिकता का भी भाव रखना चाहिए। ये पांच सीढ़ियां आत्मनिर्भरता की ओर आगे ले जाती हैं। साथ ही साथ इकोनॉमी पर ध्यान रखना है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था अब क्रमिक आगे बढ़ने वाली नहीं, उछाल वाली आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी आर्थिक व्यवस्था के कारण आज हिंदुस्तान आर्थिक दृष्टि से दुनिया की महाशक्ति है। तो हमें इस पर विचार करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा के बहुत माने होते हैं। हम शिक्षालय के लिए आधारभूत ढांचा का अलग अर्थ लेते हैं, चिकित्सालय के लिए अलग अर्थ लेते हैं, औद्योगिक आस्थान में इसका बिल्कुल अलग अर्थ होता है। अर्थात ऐसी आधारभूत संरचना जहां अधिक से अधिक लोगों को कार्य का अवसर मिल सके, आधुनिक तकनीकी के कारण कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन हो सके, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारी प्रणाली कैसी है, सिंगल विंडो आजकल हमारे यहाँ का विधान, और सहज बना देने का विधान आजकल आर्थिक व्यवस्था में है, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। और प्रणाली जो त्वरित काम करे, त्वरित निर्णय ले, जैसा आजकल भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। डेमोग्राफी कैसी है, हमारी आबादी कैसी है, क्षेत्र की जनसांख्यिकी कैसी है, वहां किस प्रकार की अपेक्षा आवश्यकता है, इसको विचार करना चाहिए उद्यमता के लिए। और फिर हमें यह देखना है कि वहां डिमांड किस प्रकार का है, अर्थात जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की मांग हो उसकी पूर्ति के लिए ही संबंधित उद्योग बनने चाहिए, तब जाकर हम आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ सकेंगे। इसके लिए हमें 5 आईज का भी ध्यान रखना है, इंटेंट, इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आवेग, आवेश, उसमें हमारा भाव कैसा है, ये ध्यान रखना है कि इंटेंट कैसा है, लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, ये हमारा प्रमुख भाव है जिस पर हमें विचार करना है। ये समावेशी होना चाहिए, सबको इसमें पहुंच का अवसर मिलना चाहिए, सबका सहयोग ले सकें, ऐसा विधान हमें करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट किस प्रकार हो सकता है, स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टमेंट के तमाम उपाय हैं, सिस्टम हैं, ये सब करना होता है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी चर्चा किया, और अंततः आजकल नवाचार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसके माध्यम से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और यह सब कुछ जब करना चाहेंगे तो अब जरूरी है कि हम पुनः नए सिरे से विचार करें, जड़ को जग तक ले जाएं, अर्थात कुटीर उद्योग धंधों को भी हम ध्यान में रखें, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों पर भी अब हमें विचार करना है इस आत्मनिर्भरता के लिए। और यह आत्मनिर्भरता हमें शिखर तक ले जाने में सहायक होगी, और तभी हम कह सकेंगे कि मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया और मेड इन इंडिया, ये सब मिला करके हम अब भारत का नाम, भारत के उत्पादों का नाम अब दुनिया में सबसे ज्यादा महत्ता की स्थिति में पहुंचाने का काम कर सकेंगे। वस्तुतः तो भारत के निर्माण की प्रक्रिया सबसे अच्छी मानी जाती है, कारण कि यहाँ शुचिता है, और शुचिता के कारण ही लगन है, तत्परता है, राष्ट्रभक्ति है। हम अब उत्पादन की दृष्टि से, चाहे जिस क्षेत्र का उत्पादन हो, हम दुनिया के महत्वपूर्ण राष्ट्र बनने वाले हैं, और दुनिया के अन्य देश खोजेंगे कि यह सामान मेड इन इंडिया है कि नहीं, मेड बाय इंडिया है कि नहीं,
यह मायने रखता है, इस पर बहुत अधिक विचार हो रहा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसके माध्यम से भारत में निवेश करना, व्यापार करना अब बहुत ज्यादा सहज हो गया है। बाहरी कंपनियां आकर यहाँ निर्माण कर सकती हैं मेक इन इंडिया के अंतर्गत। और यह सब करके ही हम जो हमारा विधान है समन्वित विकास का, जन जल जंगल जमीन और जानवर का ध्यान रखते हुए हम बहुत तेजी से एक समन्वित और सतत विकास की योजना को फलीभूत करने वाले हैं। और इसके लिए हमें दो बातों पर ध्यान रखना है, इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इकोनॉमी ऑफ स्कोप। इकोनॉमी ऑफ स्केल का आशय है कम लागत में अधिक उत्पादन करना, और इकोनॉमी ऑफ स्कोप का आशय है एक ही उद्योग में विभिन्न प्रकार के उत्पाद विकसित करना। तो इससे कम लागत में कई प्रकार के सामान अधिक मात्रा में उत्पन्न हो सकते हैं, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार के बाद व्यापार बढ़ेगा, व्यापार के साथ ही समृद्धि बढ़ेगी और हम हर दृष्टि से आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भरता हेतु आवश्यक है श्रम एवं श्रमिक का प्रबंधन, पूंजी की सुगम उपलब्धता और साथ ही प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग। ऐसा करके ही हम आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, रोजगार व्यापार के क्षेत्र में, सामाजिक उन्नयन के क्षेत्र में सफल हो सकेंगे। एक क्षेत्र है ऊर्जा का जहां हमें विशेष ध्यान रखना है। अब वैकल्पिक ऊर्जा के संदर्भ में हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला राष्ट्र है, सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर बहुत ज्यादा ध्यान है, विशेषकर सोलर एनर्जी पर। इसके लिए हमारे पास प्रकृति ने बहुत अच्छे अवसर दिया है, फ्रांस हिंदुस्तान जर्मनी जैसे राष्ट्र मिलकर बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। और जिस दिन हम वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में समर्थ हो जाएंगे तो हमारी आय का जो एक प्रमुख हिस्सा बाहर से पेट्रोलियम के क्रय में लग जाता है उससे बचत हो सकेगी और वह भी भारत को और ज्यादा विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करेगा। एक वैकल्पिक ऊर्जा है परमाणु ऊर्जा, नियति ने प्रकृति ने हमें बहुत बड़ा संसाधन दिया है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार हिंदुस्तान के पास है, केरल का पूरा बालू तटीय क्षेत्र ही थोरियम का है, हम शीघ्र ही थोरियम से बिजली बनाने वाले हैं। और इसी को ध्यान में रख करके डॉक्टर एपीजे कलाम ने कहा था कि हम 2020 तक ऊर्जा के मामले में पूर्णतः समर्थ हो जाएंगे, यह अवधि थोड़ी बढ़ी है कुछ सामयिक कारणों के चलते, मुझे पूरा विश्वास है 2030 तक हम ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर राष्ट्र होंगे। इस तरह आर्थिक क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, खाद्यान्न का क्षेत्र हो और सामरिकी क्षेत्र हो, हम बहुत आगे हैं। हम कृषि और ऋषि परंपरा के देश हैं, उद्योग के साथ ही साथ कृषि पर विशद ध्यान देने की जरूरत है। अगर भारत कभी भी आर्थिक मंदी से अप्रभावित रहा तो कृषि क्षेत्र के कारण ही। आज हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अन्न उत्पादक देश हैं, हिंदुस्तान के गेहूं की मांग, चावल की मांग दुनिया में सर्वाधिक है, भारत के मसालों की मांग दुनिया में सर्वाधिक है, और आज औषधि के क्षेत्र में हिंदुस्तान का जो हर्बल प्रोडक्ट है, जो वनौषधियां हैं, इसकी भी मांग तेजी से बढ़ी है। कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय वनौषधियों का प्रयोग है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति प्रकृति बंधन की संस्कृति है, उसमें निहितार्थ यह है कि प्रकृति के तत्वों का हम सम्मान करें। हर घर में तुलसी, सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक तुलसी है, तुलसी नीम की पत्ती गिलोय हल्दी, इसके माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। कोरोना का प्रभाव उनके ऊपर नहीं है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, और प्रतिरोधक क्षमता उनकी अच्छी है जो प्रकृति के ज्यादा करीब हैं और प्राकृतिक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, हर्बल मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, वनौषधियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम कृषि के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं।
जहां तक समर क्षेत्र हुआ, हमारे पास माननीय मोदी जी जैसा महानायक है। और अब चाहे जल हो, थल हो या व्योम हो, हम हर जगह अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्र हैं। कभी हम सात पावर स्टेट कहे जाते थे, मतलब राज्य, कोई कुछ भी कह दे उसके बाद धीरे से मधुरता के साथ हम जवाब देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब हम हार्ड पावर स्टेट हैं। सिचुएशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले राष्ट्र हैं। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस, हमारी सीमा पर अगर किसी ने आंख उठाई तो तत्क्षण जवाब, और इस तरह जवाब कि वह आने वाले दिनों में कभी ऐसा सोच भी ना सके। इस कोरोना काल में भी हमारे पड़ोस में एक ऐसा राष्ट्र है जो कुप्रवृत्ति का राष्ट्र कहा जाता है, जिसके कारण कोरोना का विस्तार हुआ, जो स्थानीय स्तर पर शांति को बाधित करना चाहता है, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के लिए रिजर्वेशन रखता, उसने हमारी सीमा पर हलचल की कोशिश की और उसे प्रत्युत्तर मिला, और आगे अगर उसने कोशिश की तो फिर उसे उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जैसा हमारे परमाणु सिद्धांत में है कि अगर किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण की कोशिश की तो उसे अपने अस्तित्व के बारे में विचारना होगा। हम अपने सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं और इस रक्षण के लिए हम निरंतर तत्पर भी हैं, चाहे नाभिकीय आयुधों का प्रश्न हो, अथवा स्पेस में सैटेलाइट रखने का प्रश्न हो, अथवा स्वयं का नेविगेशन सिस्टम डेवलप करने का प्रश्न हो, अथवा नाभिकीय पनडुब्बियों का प्रश्न हो, अथवा स्वयं के टैंक या तेजस जैसे विमानों का प्रश्न हो, हम हर दिशा में बहुत आगे हैं। तो आत्मनिर्भरता सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और सामरिक हर संदर्भों की होती है, और हम इन सभी संदर्भों में आत्मनिर्भरता के शिखर पर आसीन होने वाले हैं, और शिक्षा के माध्यम से अब हम पुनः दुनिया को शांति, सौमनस्य और विकास का संदेश देने वाले हैं। हमारी व्यवस्था है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, की सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की। इस दृष्टि से हम अब पूरी दुनिया के लिए एक सुव्यवस्था देने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले दिनों में हम स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में समादृत हैं और ज्यादा होने वाले हैं, और ज्ञान लोक की महानतम शक्ति बनने वाले हैं। आइए हम आप सब मिलकर इसमें सहयोग करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।